नमस्कार, निर्माण न्यूज સાથે હું છું શિવમ। સમાચાર ની વિગતવાર શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલા વાત કરીશું અમદાવાદ ની। અમદાવાદ માં ભગવાન જગન્નાથજી ની રથયાત્રા માં પોલીસ બંદોબસ્ત ને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। તો 25,000 જેટલા સુરક્ષા ના જવાનો રથયાત્રા ના બંદોબસ્ત માં જોડાશે। ત્યારે રથયાત્રા ના અનુસંધાને પોલીસ કમિશનર ના માર્ગદર્શન થી પ્રથમવાર ઝોન 2 ડીસીપી દ્વારા યુથ મીટિંગ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તો 300 થી વધારે યુવાન યુવતીઓ યુથ મીટિંગ માં જોડાયા હતા। पुलिस कमिश्नर संजय श्रीवास्तव द्वारा रथयात्रा दरमियान युवाओं ने खास तकेदारी राखवा माटे अगत्यनी सूचनाओं आपवामां आवी हती। तो बीजी तरफ हाजर युवाओं पण पुलिसनी साथे खभेथी खभो मिलावीने स्वयंसेवकनी सेवा आपवानी तैयारीओ बतावी हती। दर्शन हतुं अने एमनी सूचना प्रमाणे झोन 2 ना डीसीपी जयदीपसिंह जाडेजाए सापुर अने कारंज विस्तारना लगभग 300 जेटला युवक युवतीओनी एक यूथ कमिटी बनावी छे। आवनार रथयात्रा नो संदर्भ तो खरो ज, पण रथयात्रा सिवाय पण आगामी समय नी अंदर कोईपण प्रकार की प्रवृत्ति होय एमां पोलिस नी साथे जोड़ाईने सारा कार्य करवामां आवे, समाज हित में कार्य करवामां आवे। ए उपरांत युवानोनी अंदर जे टेलेंट छे ए टेलेंट ने पारखीने पोलिस एमने कई दिशा में जवू, योग्य दिशा तरफ वाळे एमना केरियर ना एक मार्गदर्शक बने ए रीतेनी तमाम चर्चाओ करवामां आवी छे। रथयात्रा संदर्भे तो दौरवणी करवामां युवानो साथ अने सहकार आपशे ज, पण आगामी समयनी अंदर अमदावादनी तमाम प्रकारनी जे एक्टिविटी पोलीसनी साथे संकळायेली छे, पोलीस अने समाज साथे जे प्रवृत्तिओ जोड़ायेली छे, ए तमाम आ यूथ कमिटी छे ए मदद करता रहेशे अने ए थकी एक आपणे समाजने सुख शांति अने समृद्धिमय एक वातावरण आपणे आपी शकीशुं एवो अमदावाद शहर पोलीसनो प्रयास हतो। अने एना भागरूपे आज आ यूथ कमिटी ने एक प्रथम मीटिंग नो आयोजन करवामां आव्युं।